वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं कैरी के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कैरी का मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कैरी है इसको मैं छील लूँगी। इतनी बड़ी कच्चा आम ले लिया है मैंने, इतना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कैरी को छील लिया है, इसे अब मैं काट लूँगी। पहले तो आम को हमने कट कर लिया है, अब हम मुरब्बा बनाएंगे। इसके लिए मैंने तो यहाँ पर मैंने वेजल में 2 टीस्पून घी गरम कर लिया है। पहले इसमें मैं डालूंगी 2 इलायची। मुरब्बे में इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मैंने जो कच्चा आम कट करके रखा है वो ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो मुरब्बा गुड़ का भी बना सकते हैं, गुड़ का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें कैरी को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। ये देखते ही देखते ये कैरी का काम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, कैरी अब ट्रांसपेरेंट होने लगी है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे कैरी के गलने तक। तो पानी अच्छे से पक रहा है कैरी का। इसमें मैं 150 ग्राम के करीब शक्कर डाल रही हूँ। आपने देखा मैंने कितनी कैरी ली थी, एक बड़ी कैरी कच्चा आम ले लिया था। इसमें मैं 150 ग्राम के करीब शक्कर ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है शीरे को, शक्कर के सिरप को स्टिकी होने तक पका के मैं बताती हूँ आपको। तो शक्कर अब पकने लगी है, इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो मैंने तो देख सकते हैं अब शीरा अच्छे से पक गया है, गाढ़ा हो गया है अब काफी। इसमें अब तार भी आ रही है तो इसको भी फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। ये गाढ़ा होके ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बनकर तैयार है कैरी का मुरब्बा। अगर आपको मेरा ये कैरी के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। इस मुरब्बे को आप रोटी के साथ में खा सकते हैं, इसे आप कांच के बोतल में रख के प्रिजर्व करके रख सकते हैं।